नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। डॉक्टरों की दबंगई अगर आपको देखनी है तो आप पीएमसीएच जाइए। जी हाँ, जिस प्रकार से वहां दबंगई है, वहां जाने के बाद ही एहसास होगा। लगातार आपने सुना होगा कि मरीज के साथ, मरीजों के परिजनों के साथ डॉक्टरों ने जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया, और उसके बाद से डॉक्टर दुर्व्यवहार न करने के बाद सीधे हड़ताल पर चले जाते हैं। और उनका ऐसा संगठन है कि जब आपको मेरी बात समझ में आएगी, जब आप पीएमसीएच जाएंगे एक पुर्जी कटा करके, अगर आप इलाज कराने के लिए किसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम डॉक्टर के पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है दुख में, लेकिन अगर आपको अपना दुख बढ़ाना है तो आप पीएमसीएच जाइए। मेरी बात मानिए, एक बार अगर किसी बीमारी के लिए आप जाते हैं तो दूसरी बीमारी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वहां जाने के बाद हो सकता है कि आपका हाथ पैर भी तोड़ दिया जाए। लगातार हम कहते हैं, और आज जब घटक दल, महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस की नेत्री विधायक राजापाकर की विधायक प्रतिमा दास के साथ जब इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया कि उनको भी समझ में आ गया कि ये डॉक्टर हैं या गुंडे हैं। जी हाँ, इस घटना के बाद जब आज प्रतिमा दास गई और उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, परिचय देने के बाद भी न सिर्फ उनके बॉडीगार्ड के साथ हाथापाई की गई, बल्कि उन्हें भी अपनी इज्जत बचा करके किसी प्रकार से भागना पड़ा। उन्होंने इस बात को लेकर के अधीक्षक से भी शिकायत की है, स्वास्थ्य मंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी मिलकर के उन्होंने अपनी बात कही है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब सत्तारूढ़ पार्टी घटक दल के साथ, विधायक के साथ इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, तो आम नागरिक के साथ, जो कि पीएमसीएच कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, सरकार का करोड़ों करोड़ का वहां फंड है, आखिर उन पैसों का क्या हो रहा है जब मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है? क्या मरीज वहां दबंगे के लिए जाते हैं? क्या अपनी टांग हाथ तोड़ने के लिए जाते हैं? वैसे में इस घटना के बाद तेजस्वी यादव ने दावा किया है, प्रतिमा दास ने कहा है कि तेजस्वी यादव से मिलने के बाद जब वो बाहर निकली, तेजस्वी यादव ने उन्हें अंदर कहा है कि निश्चित तौर पर जो दोषी व्यक्ति हैं, जो दोषी डॉक्टर, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन हर बार की तरह यह बात भी फाइलों में दब जाती है, या दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी, पीएमसीएच में डॉक्टरों को व्यवहार जो है उसमें चेंज होगा, सही तौर पर मरीजों का इलाज हो पाएगा या नहीं, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने। जो अभी हमारे साथ घटना घटी उसकी जानकारी देने के लिए मैं आई थी। अभी पीएमसीएच 2 बजे गए हम, हमारे क्षेत्र के एक पेशेंट एडमिट है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। अब गए तो हमारे अंगरक्षकों का ये ड्यूटी है कि वो आगे जो रहते हैं उनको साइड कराता है, ये बस यही कहें कि जरा साइड हो जाओ, बस उसी पर वो तुम तराक करने लगा कि कैसे हमको साइड करा रहे हो, तुम कौन हो, पहचानते हो हमको? हमारा नज़र पड़ा कि भाई कोई किससे उलझ गया, तो हम बोले कि बाबू जाइए, आप लोग गलती हो गई, नहीं पहचान रहा है। एक्चुअली ना वो एप्रन पहने हुए थे ना स्टेथो लगाए हुए थे। फिर वो कार्ड निकाल के दिखाने लगा, हम बोले छोड़िए ना, कार्ड क्यों दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, जाइए, हम जा रहे हैं पेशेंट देखने को। बोले आप कैसे चली आई हैं, किसके परमिशन से अंदर घुस गई? गार्ड बुलाने लगा कि इनको बाहर करो, बाहर निकालो इसको। तुम तरह मेरे गार्ड सबको घसीटने लगा कि बाहर निकलो, तुम लोग गुंडागर्दी पर उतर आया। तो हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों को देखने जाते हैं, पेशेंट को देखने जाते हैं, जब माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के पेशेंट के साथ इस तरह देखने जाएगा और डॉक्टर गुंडागर्दी करेगा, तो फिर पेशेंट के साथ ये लोग क्या करते होंगे? तेजस्वी से मुलाकात हुई, तेजस्वी ने क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, उसकी जाँच होगी। ये तरीका सही नहीं ना है, एक महिला सदस्य के साथ जिस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया, एक माननीय सदस्य के द्वारा सदस्य के साथ, तो वो आम जनता को किस तरह से व्यवहार करते हैं? डॉक्टर का हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता था कि दोनों इंटर्न थे। लेकिन जिस तरीके का उन्होंने दुर्व्यवहार किया, मुझे अपमानित किया है, ये कहीं से शोभनीय नहीं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।